गुड आफ्टरनून सबको, नमस्कार। कल हम लोगों ने अम्ल पित्त के बारे में चर्चा की थी, आज हाइपर ग्लाइसीमिया के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ठीक 4 बजे धीरज कुमार जी उपस्थित हो गए हैं, आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। समय पर उपस्थित होना बहुत अच्छी बात है। पंकज शुक्ला जी उपस्थित हो गए हैं, डॉक्टर आदिति त्रिपाठी भी समय पर उपस्थित हो जाती हैं, डॉक्टर विकास चौधरी, डॉक्टर मोबिन मुल्ला जी, डॉक्टर विजय सैनी जी, डॉक्टर अरुण शर्मा जी, डॉक्टर आनंद आयुर्वेद, डॉक्टर नवीन जोशी जी आयुष दर्पण, डॉक्टर के एन गंगवार, डॉक्टर रीना शर्मा, डॉक्टर सुनील रातोरी बिल्कुल समय पर उपस्थित हो गए हैं। अब आइए थोड़ा हम क्वेश्चन को ले लेते हैं जो कल मेरे समक्ष डॉक्टर नवीन ने भेजे हैं। निर्मला सवाल, उन्होंने कंपवात पार्किंसंस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। जैसा कि आप जानते हैं, पार्किंसंस सबस्टेंशिया नाइग्रा और बेसल गैंग्लियन की डिसीज़ है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सेल इसमें इफेक्टेड होते हैं। ये एक तरीके से असाध्य व्याधि है। आयुर्वेद में भी इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन पेशेंट को आप आराम पहुंचा सकते हैं। कंपवात के रोगी में, कंपवात में वाह्य अभ्यंग, वाह्य स्वेदन, और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावी चिकित्सा है वह है षष्टिकशाली श्वेत। षष्टिकशाली श्वेत इसमें बहुत उपयोगी चिकित्सा है। आप सब जानते हैं कैसे बनाते हैं षष्टिकशाली श्वेत, मैं कई बार बता चुका हूँ। इसमें षष्टिक यानी 60 दिन में पैदा होने वाला चावल, इसलिए इसका नाम षष्टिकशाली श्वेत पड़ा। ये लाल चावल के नाम से प्रसिद्ध है। स्त्रियाँ इसके उपवास में इसका प्रयोग करती हैं और काफ़ी कास्टली आता है, 100 रुपये kg से ऊपर आता है। इसमें हम अश्वगंधा, शतावरी या बलामूल, तीनों मिल जाए तो अच्छा, दो मिले तो दो। इनका काढ़ा बना लीजिए आप लगभग 400 ml, और 400 ml दूध मिला दीजिए तो ये 800 ml हो जाएगा। इसमें 100 ml शेष करा के 700 ml में 100 ग्राम साली चावल डाल के अच्छी तरह पका लीजिए, बारीक एकदम, अच्छा पकना चाहिए, और उसको हाथों से और मसल करके उसका पूरा एक तरीके से हलवा जैसा बन जाए उस प्रकार बनाएं, और 2 पोटली इसकी बना लें। रोगी में वाह्य अभ्यंग करें अश्वगंधा वाला तेल से, और अभ्यंग करने के पश्चात इन पोटलियों के माध्यम से वो जो 100 ml आपने बचाया है उसको धीमी आंच में गर्म करें, उसमें डुबो डुबो करके पूरे शरीर में इसके द्वारा अभ्यंग करना, जब तक ये जो अन्न है वो पूरी तरीके से बाहर न निकल जाए कपड़े के, तब तक अभ्यंग कराना है। फिर भी बच जाए तो अन्न लेपन रोगी में करा दें। यह षष्टिकशाली श्वेत है। सर्वांग धारा और प्रच्छिल धारा एक ही चीज है। अश्वगंधा बला तेल से इसका सर्वांग धारा करें लगभग 1 घंटे तक। षष्टिकशाली श्वेत भी 1 घंटे तक करना पड़ता है, तो 21 दिन षष्टिकशाली श्वेत करें, फिर 21 दिन सर्वांग धारा करें। इसके अलावा शिरोधारा भी इसमें इफेक्टेड है। ऐसे 21 दिन के कोर्स पेशेंट में करें, और इसमें सिद्धवस्ती बहुत ही उपयोगी है। ये मैंने कई पेशेंट को दिया है। उसमें यव कोल कुलत्था नाम क्वाथा मागधिका मधु ससैंधवा सयस्टावा सिद्धवस्ती इति स्मृता। सिद्धवस्ती का उल्लेख मैंने अपनी किताब में किया है, आप वहाँ उसको देख सकते हैं। इसमें हमने अश्वगंधा और केवाँच बीज और मिलाया है। ये सुसुत की बस्ती है, अश्वगंधा और केवाँच बीज, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स में ये दोनों औषधियाँ बहुत ही उपयोगी हैं, इसलिए इनको मिला करके काढ़ा बनाया 300 ml, और इसमें अश्वगंधा घृत या शतावरी घृत 50 ml, शहद 50 ml, और सैंधव 5 ग्राम मिला के विधिवत बस्ती तैयार की गई,
और लगातार इस सिद्ध बस्ती को लगातार दिया गया। इसमें अनुवासन देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यदि आवश्यकता पड़े तो अश्वगंधा बलादि तैल या महामास तैल की 30 ml अनुवासन बस्ती भी दे सकते हैं। ये तो हुआ पंचकर्म से संबंधित चिकित्सा। साथ साथ में नस, जब आप शिरोधारा कराते हैं तो नस मत कराइए, लेकिन जब शिरोधारा नहीं कराते हैं उस दौरान आप नस भी ब्रह्मण नस, इसमें ब्राह्मी घृत या ब्राह्मी घृत या तैल या इंद्रिय वर्धक तैल, इनसे नस से आप 4-4 बूंद सुबह शाम को दोनों टाइम डालें। औषधियों में योगेंद्र रस 60 mg, वात कुलांतक 60 mg, मुक्ता पुरवाल पंचामृत 125 mg, ये दिन में 3 मात्राएं हैं, शहद के साथ या ब्राह्मी अवलेह के साथ इसको चटाएं। एक योग मैं प्रैक्टिकली मैं करता हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ, भीमसेनी कपूर 500 mg ले लीजिए, शुद्ध घृत 1 चम्मच मिला करके दोनों टाइम इसका सेवन कराएं, इससे भी कंपवात में बहुत ही आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा टैबलेट नियो महायोगराज गुगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। अश्वगंधारिष्ट 4 चम्मच 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम, और शुद्ध शिलाजीत 500 mg दुग्ध के साथ सेवन कराएं। ये सब सम्मिलित ट्रीटमेंट आप देंगे तो निश्चित है पेशेंट में आराम प्राप्त होता है, क्योर तो होता नहीं है। डॉक्टर हरजीत सिंह, फॉर इम्प्रूव मेमोरी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसमें स्मृति सागर रस प्रवाल पृष्टि, स्मृति सागर रस 250 प्रवाल पृष्टि 250 mg, ऐसी एक मात्रा दिन में 2 बार ब्राह्मी अवलेह के साथ देवें। साथ में शंख पुष्पी सिरप या शंख पुष्पी घनबटी 2-2 गोली दिन में 2 बार और मेध रसायन काढ़े का सेवन करें। मुलैठी गिलोय शंख पुष्पी मंडूक पढ़नी, ये काढ़ा है, इसका सेवन करें, इससे स्मृति निश्चित रूप से बढ़ेगी। दूसरा, एकाग्र विकसित करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करने के लिए मेडिटेशन जरूर करें, योगा करें, प्राणायाम और मेडिटेशन, और चिंता मुक्त होना चाहिए। बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे तो नींद स्मरण शक्ति ह्रास होता है, हमेशा खुश रहें प्रसन्न रहें इसलिए स्मृति बढ़ेगी। ब्राह्मी बटी 2 गोली सुबह शाम को, ये भी इसके लिए उपयोगी है। मेंटेड टैबलेट आती है 1-2 गोली सुबह 2 गोली शाम को आप दे सकते हैं। डॉक्टर श्रुति त्रिपाठी ने पूछा है कि जलकुंभी, जो मैं हाइपो और हाइपर थायरॉयडिज्म के लिए बताता हूँ, जलकुंभी का भस्म क्या किसी फार्मेसी से प्राप्त हो सकता है, तो मुझे ऐसी जानकारी नहीं है, आपको खुद बनाना होगा, वो अच्छा रहता है। आनंद आयुर्वेद वालों ने एक्यूट हील पेन, वास्तव में एड़ी में बहुत कभी कभी तीव्र वेदना होती है, खास तौर से जो ओबेसिटी के पेशेंट हैं, लेडीज हैं, उनको ज़्यादा होती है। इसमें अग्निकर्म बहुत ही उपयोगी है, अग्निकर्म कर दें, बहुत अच्छा उपयोगी है, तत्काल वेदना में आराम मिलता है। इसके अलावा दशांग लेप 20 ग्राम और सरसों तेल 1 चम्मच, आधा कप पानी मिला करके इसको अच्छी तरह पकाएं और व्रणपट्ट बंधन करें। इसमें 10 मूल के द्रव्य भी मिला दें तो और अच्छा इसके रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा लाक्षाद्रि गुल 2-2 गोली दिन में 2 बार, महायोगराज गुगुल 2 गोली दिन में 2 बार और आम वातारी रस 250 mg, महावात विध्वंसन 125 mg दिन में 2 मात्राएं शहद के साथ इसका सेवन कराएं। और पिपली चूर्ण 250 mg दिन में 2 बार, आधा चम्मच दिन में 2 बार, ये भी वेदना शामक है और तत्काल वेदना में रिलीफ मिलता है। निर्मला सवाल ने एक और प्रश्न किया है, एरन तैल और कैस्टर ऑयल, एक्चुअली ये नेपाल के रहने वाले हैं इसलिए उनको कन्फ्यूज़न है, एरन तैल और कैस्टर ऑयल एक ही चीज़ है। एरन तैल संस्कृत में है या इको है हिंदी में और कैस्टर ऑयल इंग्लिश में। सोनम घाने का कोई पेशेंट है, उनको बर्निंग सेंसेशन है पूरे बॉडी में,
और ये शरद ऋतु से प्रारंभ होकर समर तक चलता है। इनके सारे टेस्ट करा लें और कारण का पता लगाएं क्यों न्यूराइटिस हो रहा है। जब तक ना पता लगे तब तक चंद्र प्रभाव बटी चंदन आदि बटी दो दो गोली दिन में दो बार सुबह शाम देवें। टैबलेट नियो दो गोली सुबह शाम को और शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम एक कप दूध में घोल कर पिलाएं। अश्वगंधा और केवांच बीज चूँ 100-100 ग्राम लेकर दोनों मिला लें, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम को पिलाएं, इससे भी रोगी को राहत मिलेगी। चंदनादि तेल से अभ्यंग पूरे शरीर में करें, निश्चित रूप से इसमें आराम प्राप्त होगा। लेकिन पूरा टेस्ट करा के पता लगाएं कि बर्निंग सेंसेशन हो क्यों रहा है। ज्ञानेंद्र सहपाठी जी, स्मृति नाश में हम क्या कर सकते हैं? स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए जो मैंने अभी बताया आपको, फॉर इम्प्रूव मेमोरी, वही सारी चिकित्सा स्मृति नाश में की जा सकती है। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी पूछ रहे हैं, मधुमेह के कारण बड़ी कमजोरी महसूस होती है, इसमें संशमन चिकित्सा बताएं। निश्चित बात है, जब ब्लड शुगर शरीर से बाहर जाता है तो वीकनेस तो आती है, तो ये देखें कि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप जो है बसंत कुसुमाकर 60 मिलीग्राम, त्रिभंग भस्म 250 मिलीग्राम, शिलद इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, ये दिन में दो या तीन मात्राएं गर्म पानी के साथ या दुग्ध के साथ इसका सेवन करें। इसके अलावा माँ मज्जक बटी और गुड़माड़ घन दो दो गोली दिन में दो बार दें, इससे डायबिटीज़ निश्चित रूप से कंट्रोल होगा और डायबिटीज़ कंट्रोल होगा तो कमजोरी भी ख़त्म होगी। ये ट्रीटमेंट आप पेशेंट को दें। महेश नायक, 12 साल की कोई उनकी पेशेंट है, बच्ची है, ESR 123 123 है, CRP 28 और हीमोग्लोबिन 9 है। निश्चित रूप से गंभीर व्याधि से ग्रसित हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है। ESR बढ़ा हुआ है, इसके माने ये क्रॉनिक डिसीज से ग्रसित हैं। अब वो आपने लिखा ही है कि CRP बढ़ा हुआ है, हो सकता है यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ हो। ऐसी अवस्था में बृहदवा चिंतामणि 60 मिलीग्राम, आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम, ये दिन में दो मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं। पंचकोल क्वाथ का सेवन जरूर कराएं। पंचकोल क्वाथ 30 ml खाली पेट में दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। महायोगराज गुगुल स्वर्णयुक्त एक गोली सुबह और एक गोली शाम को देवें और जो भी लक्षण अनुसार चिकित्सा करें। हीमोग्लोबिन के लिए एक टैबलेट अभ्रलौह आती है, अभ्रलौह एक गोली सुबह एक गोली शाम, इससे हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। डॉक्टर के एन गांगवार ने पूछा है कि सूत शेखर का प्रयोग अम्ल पित्त में किस अवस्था में करना चाहिए? तो प्रारंभिक अवस्था में न करें, लेकिन दो हफ्ते बीत जाए और अम्ल पित्त बरोबर रहे पेशेंट को तो आप सूत शेखर रस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा राहुल रघुवंशी जी ने अल्सर ऑन टंग एंड एपिग्लोटिस, नॉन हीलिंग वूंड्स हो जाते हैं हमेशा टंग्स में और आसपास, सामान्य भाषा में इसको मुखपाक या छाले कह सकते हैं, इसमें पंचवलकल क्वाथ से गंडूस धारण कराएं 7 दिन और 7 दिन फिर
जात्यादि तेल से गंडूस कराएं। फिर 7 दिन चमेली के पत्तों को मुख में चबा चबा करके या चमेली का पत्र का काढ़ा बना लें, उससे आप गंडूस कराएं। इससे निश्चित रूप से रोगी में आराम प्राप्त होगा। गंडूस से बहुत अच्छे फायदे होते हैं। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी पंचनिम बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन कराएं, इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। दूसरा, पेट की गड़बड़ी से भी इस प्रकार के मुखपाक या जिह्वा में एपिग्लॉटिस में फुंसियाँ हो जाती हैं, इसलिए एरन भ्रष्ट हरित की रात्रि में डेली 1 चम्मच सेवन कराएं, जिससे पेट साफ रहे, उदर साफ रहे, तो निश्चित रूप से छाले भी ठीक होंगे। डॉक्टर शुभम एस पवार, इन्होंने फेस युक्त मल आ रहा है, गट मूवमेंट्स इंक्रीज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। फेस मतलब मुझे लगता है म्यूकस की बात कर रहे हैं, तो म्यूकस प्रवाहिका और ग्रहणी दोनों में आता है, इरिटेटिव बॉवल्स में भी आता है, तो डायग्नोस कर लें कौन सी व्याधि है। और सर्वप्रथम 7 दिन तो पंचकोल का चूर्ण या पंचकोल काढ़ा 7 दिन तक प्रातः सेवन सायं सेवन कराएं, इससे दीपन पाचन देने से आम की प्रवृत्ति हट जाएगी। इसके अलावा अग्नितुंडी बटी 2 गोली सुबह शाम को, कुटजघन बटी 2 गोली सुबह शाम, रस औषधियों में पंचामृत परपटी 250 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम, इनको मिला करके दिन में 2 बार देवे, इससे लाभ होगा। इसके अलावा सौंफ, बड़ी सौंफ 50 ग्राम, बड़ी सौंफ 50 ग्राम और बिल्व गुदा 50 ग्राम और ईसब गोल 50 ग्राम, तीनों को मिला लें और 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार दें, इससे आमत्व जो है दूर होगा। पैरास्टेटिक मूवमेंट बढ़ाने के लिए, गट मूवमेंट बढ़ाने के लिए त्रिफला घृत का प्रयोग करना चाहिए। त्रिफला घृत 15 ml भोजन के पहले, खाली पेट में, भोजन के काल में इसको देना चाहिए, अन्नपान उष्ण जल, इससे गट्स की गति बढ़ सकती है। धीरज विश्वकर्मा जी ने पूछा है शिग्रु का कौन सा भाग लेना चाहिए, तो इसमें शिग्रु बीज का उपयोग करना चाहिए, खासतौर से औपीड़न नस के लिए। 3 चीज़ें मैंने बताई थी, शिग्रु, वचा और विडंग। विडंग के बीज भी लिए जाते हैं और शिग्रु के भी बीज ही लिए जाते हैं। डॉक्टर ज्योति बाला डामोर, उनका एक पेशेंट है 70 साल का, फीमेल है, वक्षशूल होता रहता है और हाइपोथायराइड है। वक्षशूल क्यों हो रहा है ये थोड़ा से डायग्नोस करें, एक्सरे करा लें। जहाँ तक हाइपोथायराइड का ट्रीटमेंट है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि हाइपो कफानुबंध व्याधि है और हाइपरथायरॉयडिज्म पित्तानुव्याधि है, ये ध्यान में रखते हुए आपको ट्रीटमेंट करना है। इसमें पूरा पंचकर्म कराएं, वमन, विरेचन और लेखन वस्ती। वमन के लिए आभ्यंतर स्नेहपान पंचतिर घृत से करा करके या त्रिफला घृत से करा के और वमन करा दें। वमन कल्प में आपको त्रिव्रत, अमलतास गूदा, छोटी हरड़ 20-20 ग्राम लेके काढ़ा बना लें 100 ml और इसमें 40 ml कैस्टर ऑयल मिला लें और यह विरेचनाट दें। वमन के लिए इंद्रियो गिलोय ये 30-30 ग्राम लेकर के काढ़ा बना लें,
इसमें 15 ग्राम मदन फल पिपली डाल करके मदन फल कल्प का तैयार करें, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, इससे भ्रमण कराएं। विरेचन के लिए मैंने बताई आपको, और वस्ती के लिए इसमें त्रिफला 50 ग्राम, वायुविडंग 50 ग्राम और विडंग तो बता दिया मैंने आपको, त्रिफला और गिलोई ये 50-50 ग्राम लेकर के काढ़ा बना लें। 300 ml, 50 ml अगर गोमूत्र अर्क मिल जाए अच्छा है, शहद 50 ml और यवक्षार 10 ग्राम मिला करके वस्ती देवें। यह प्रक्रिया करने से निश्चित रूप से हाइपोथायरायडिज्म में लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा एक योग में हमेशा सबको बताता हूँ, जलकुंभी जो कि तालाब में और नदियों में जहाँ पानी थोड़ा स्थिर रहता है वहाँ ये खूब बहुतायत में मिलती है। इसके पुष्प जो हैं बैंगनी कलर के होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, पत्ते बड़े मोटे होते हैं, उनको कलेक्ट कर लीजिए पत्तों को और सुखा लीजिए धूप में या छाया में, और जब ये पूरे तरह सूख जाए तो इनको जला दीजिए, और इस जो भस्म है वो तैयार हो गई आपकी, कैप्सूलिंग कर लीजिए 1000 mg कैप्सूल में, और दो दो कैप्सूल दिन में 2 या 3 बार देने से निश्चित रूप से हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म दोनों में ही यह औषधि लाभ करती है। ये मैंने कईयों पेशेंटों में इसका प्रयोग किया है। आर सिंह चहल, इन्होंने ब्रेन ट्यूमर की चिकित्सा के बारे में पूछा है। अगर ब्रेन ट्यूमर बेनाइन है और उसकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे हो रही है तो थोड़ा प्रयास किया जा सकता है, इसको अर्बुद मान करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक ही हो जाएगा इसकी गारंटी देना संभव नहीं है। सिम्टम के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है, कई बार हेडेक होते रहता है, कई लोगों को उल्टियां प्रारंभ हो जाती हैं, वो ट्रीटमेंट आप साथ में दें। इसके अलावा कांचनादि गुल, गोक्षरादि गुल दो दो गोली दिन में 2 बार, स्लज इत्यादि लौह 250 mg, शोथारी लौह 250 mg, ये एक मात्रा, ऐसे दिन में 2 या 3 मात्रा देवें, आवश्यकता पड़ने पर शिरोधारा, और इसमें विशेष रूप से नस्यकर्म से लाभ प्राप्त होगा। नस्यकर्म 2 दिन स्नेह नस्य और प्रत्येक 3रे दिन औपीड़न नस्य कराइए। औपीड़न में वचा शिग्रु और विडंग बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना के रख लें, 2 चम्मच निकालें, थोड़ा पानी में गीला करके 1 दिन पहले भिगो के रख दें, और जिस दिन नस देना है उस दिन अच्छी तरह मसल के छाल लें और 6-6 बूंद की मात्रा प्रातः एवं सायं नस्य के रूप में दें। इसमें रोगी को निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा, लेकिन बेनाइन होना चाहिए, कैंसरस है तब तो इसका ट्रीटमेंट जरा बहुत ही मुश्किल है। अब आइए आज का विषय है मधुमेह जन्य विषमता, जिसको हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कह सकते हैं, और इसी का दूसरा नाम है हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। मधुमेह जन उपद्रवों में मुख्यतः ब्लड शुगर की मात्रा अत्यंत कम हो जाना या अत्यंत बढ़ जाना ही होती है। सामान्यतया ब्लड शुगर की नॉर्मल मात्रा 75 to 115 mg/dL होती है। ब्लड शुगर का नियंत्रण पैंक्रियाज द्वारा स्रवित इंसुलिन के द्वारा होता है, ये आप सब जानते हैं। यदि इंसुलिन की मात्रा में कमी हो जाती है तो ब्लड शुगर का स्तर अत्यंत बढ़ जाता है, जिसे हाइपरग्लिसीमिया कहा जाता है। मधुमेह की चिकित्सा में प्रयुक्त इंसुलिन की मात्रा का आधिक्य होने पर ब्लड शुगर में तीव्रता से कमी होकर हाइपोग्लिसीमिया
की उत्पत्ति करता है। ये दोनों जो हैं अत्यंत घातक आत्यक अवस्थाएं होती हैं, इनका तत्काल ट्रीटमेंट करना चाहिए। कई बार तो ये पता नहीं चलता सिम्टम के आधार पे कि हाइपोग्लिसीमिया है कि हाइपरग्लिसीमिया है, लेकिन पेशेंट का इतिहास लेंगे पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार मधुमेह में दो प्रकार के भयंकर उपद्रव उत्पन्न होते हैं। पहला है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसे हम हाइपरग्लिसीमिया कहते हैं, और दूसरी अवस्था है हाइपोग्लिसीमिया, जिसमें ब्लड शुगर की लेवल कम हो जाता है। दोनों आत्यक अवस्था हैं, दोनों की चिकित्सा आपको तत्काल करनी होती है। आज हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस अर्थात हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में चर्चा करेंगे। शरीर में इंसुलिन की कमी होने पर या पैंक्रियाज के बीटा सेल द्वारा इंसुलिन की अल्प मात्रा का स्राव होने के कारण, अल्प मात्रा में स्राव हो तो ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति में जब रोगी कार्बोहाइड्रेट प्रधान आहार द्रव्यों का और अधिक मात्रा में सेवन करता है तब ब्लड शुगर का स्तर शरीर में अत्यधिक बढ़ जाने के कारण हाइपरग्लिसीमिया की उत्पत्ति होती है, घातक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अधिक लेने से निश्चित रूप से ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। निर्धारित इंसुलिन नहीं लेने के कारण भी हाइपरग्लिसीमिया की उत्पत्ति हो जाती है। जो डॉक्टर ने बताया कि इतना यूनिट आपको लेना है और वो नहीं लेते हैं तो भी हाइपरग्लिसीमिया की उत्पत्ति हो जाती है। गंभीर स्थिति है ये, इसका इलाज आपको तत्काल करना पड़ेगा। लक्षण में देखें तो कम या इंसुलिन नहीं लेने का इतिहास ये एक महत्वपूर्ण कारण है हाइपरग्लिसीमिया का। दूसरा है इन्फेक्शन, संक्रमण हो जाए, वोमिटिंग, पेन इन एब्डोमिन, ये लक्षण हाइपरग्लिसीमिया में प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोस्यूरिया, डिहाइड्रेशन, शरीर में जलीय मात्रा का कम हो जाना, ड्राइनेस ऑफ स्किन और टंग, ड्राइनेस स्किन ऑफ और टंग, पल्स बहुत ही वीक हो जाती है, ऐसी अवस्था में लो बीपी हो जाता है, लेकिन जो श्वास की क्रिया है वो बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी श्वास लेना पड़ता है रोगी को। कीटिन्यूरिया भी इस स्थिति को कहते हैं, और ऐसी अवस्था में मूर्छा आना स्वाभाविक है, मूर्छा भी आ जाती है। ब्लड का परीक्षण करेंगे तो हाइपरग्लिसीमिया प्राप्त होगा। साथ ही सीरम बाइकार्बोनेट की मात्रा भी ब्लड में कम हो जाती है, इसलिए भी रोगी में मूर्छा की प्रवृत्ति होती है। अब आइए चिकित्सा के बारे में विचार करें। तो देखिए, इमरजेंसी ट्रीटमेंट में पेशेंट का बचाना मुख्य उद्देश्य होता है, इसलिए आत्यक चिकित्सा की जानकारी हर उन चिकित्सकों को होना चाहिए जो दूर दराज गांवों में, पहाड़ी एरिया में हैं। वहाँ इस प्रकार का कोई लक्षण मिल गया तो हॉस्पिटल भी नहीं होते हैं, तो आत्यक चिकित्सा की जानकारी हर चिकित्सक को होनी चाहिए और इसका प्रशिक्षण गवर्नमेंट की ओर से होना चाहिए। महाराष्ट्र में तो शासन ने ज़्यादा देती है आत्यक व्याधियों के लिए, एलोपैथिक ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, ये सब जगह होना चाहिए। कई प्रदेशों में ये सुविधा प्राप्त नहीं है। अब ऐसी अवस्था में जब हाइपरग्लिसीमिया है तो इंट्रावेनस फ्लूइड रिप्लेसमेंट किया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक एक दो घंटे के अंतर से ब्लड शुगर, पोटेशियम
और बाइकार्बोनेट का परीक्षण करते रहना चाहिए, क्योंकि इनके कारणों से ही आत्यक अवस्था उत्पन्न हो सकती है। और इंट्रावेनस के द्वारा इंसुलिन, पोटेशियम की भी कमी की पूर्ति इंट्रावेनस के द्वारा करनी चाहिए। अब इसका जब तक आपको अभ्यास नहीं होगा, पोटेशियम की कितनी मात्रा देना, इंसुलिन की कितनी मात्रा देना, तब तक निश्चित रूप से ये गंभीर अवस्था उत्पन्न हो सकती है। कभी इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसी अवस्था में आपको एंटीबायोटिक्स का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। अब ये देखिए, एंटीबायोटिक्स भी कितना देना, कितनी मात्रा में देना, जब तक आप इसका प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब तक ये नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब इसको सीख लें। औषधियों में बसंत कुसुमा का रस 125 मिलीग्राम, स्वर्णमाक्षिक 250 मिलीग्राम और स्वर्णभंग 250 मिलीग्राम, ये एक पुड़िया है। ऐसा एक एक घंटे या दो दो घंटे के अंतर से गर्म पानी के साथ या दुग्ध के साथ इसका सेवन कराएं, क्योंकि ब्लड शुगर का लेवल कम करना बहुत आवश्यक है। और यहाँ पुनः पुनः औषधि देना है, दिन में दो बार या तीन बार देने से काम नहीं चलेगा। हर दो घंटे में, हर एक एक घंटे में आपको देना है, और साथ साथ में निरंतर रक्त का परीक्षण भी आपको करते रहना है। आजकल बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं जिसको ब्लड शुगर आप नाप सकते हैं, क्योंकि हो सकता है गांव में पैथोलॉजी ना हो, तो आपको स्वयं ब्लड शुगर का जांच करते आना चाहिए। शुद्ध शिलाजीत ये गर्म पानी के साथ दीजिए, इससे भी ब्लड शुगर नॉर्मल होता है। 500 मिलीग्राम दिन में तीन चार बार गर्म पानी के साथ दें, ठंडे पानी के साथ नहीं दें। इसके अलावा लहसुन सोरस एक एक चम्मच दिन में तीन बार, ये भी ब्लड शुगर का लेवल कम करता है आत्यक अवस्था में। और करेले का सोरस, ये तो अत्यंत उपयोगी है, इसमें प्राकृतिक रूप से इंसुलिन उपस्थित होता है, तो आधा आधा कप हर एक एक दो दो घंटे में इसका सेवन कराएं, इससे रोगी तत्काल आराम को प्राप्त होता है। यव चूर्ण भी अगर शुद्ध शहद मिले तो उसके साथ एक एक चम्मच दिन में दो तीन बार देना चाहिए। अगर शुद्ध शहद ना हो तो गर्म पानी के साथ यव चूर्ण का सेवन कराएं। इसके अलावा शिवा गुटिका, सिलज इत्यादि भटी दो दो गोली दिन में या दिन में तीन बार या चार बार पानी के साथ इसका सेवन कराएं। और एक योग मैं बहुत आपको बता रहा हूँ मधुमेह के लिए, ये हमने इस बारे में एक रिसर्च की है, आप भी इसको करें। पलाश पुष्प फरवरी मार्च के महीने में बहुतायत में पलाश में पुष्प आते हैं, उनको कलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा बाजार से ले लीजिए, बाजार में उपलब्ध है पलाश पुष्प। इसका बारीक चूर्ण कर लें। बारीक चूर्ण करने के पश्चात इसमें क्रमशः निम्ब पत्र, बिल्व पत्र और करेले सोरस से भावना दे दीजिए। भावना कैसे देंगे, जैसे पहले निम्ब पत्र का देना है, नीम के पत्ते इकट्ठे कर लीजिए, क्रश करिए, उसको पहले धो लीजिए पानी से और कुकर में उसको डाल दीजिए और थोड़ा से पानी डाल दीजिए और इसको 7-8 सीटी आने तक पकाइए। अब जब उसी में ठंडा हो जाए तब मिक्सर में इसको पीस लीजिए और फिर उसका रस निकाल लीजिए, निचोड़ लीजिए। इसी प्रकार बिल पत्र का, करेला का तो साधारण है, करेला आप ले आए बाजार से, पके ना हो, हरे करेले बारीक क्रश करके थोड़ा से कुकर में उसको बॉईल कर लीजिए और फिर मिक्सर में पीस करके उसका रस निकाल सकते हैं। अब ये ध्यान रखें कि इतना रस होना चाहिए कि जो आपने चूर्ण लिया है वो डूब जाना चाहिए, इतना रस होना चाहिए। जब वो डूब जाए और एक अंगुल ऊपर द्रवांश रहे तब तक रस डालना चाहिए और उसको
रात्रि भर इसी अवस्था में रखा रहने दीजिए। फिर दूसरे दिन उसको प्लास्टिक में अच्छी तरह, वो बड़ा फूल जाता है बहुत, अगर आपको देखेंगे, अगर आपको पात्र खाली है लेकिन सुबह तक देखेंगे वो फूल के ऊपर तक आ जाता है, और उसको फिर आप सुखा लीजिए। सुखाने के बाद बीच बीच में उसको चलाते, हाथ घुमाते रहिए ताकि उसकी गांठ ना बने, और फिर इसको जब सूख जाए तो मिक्सर में अच्छी तरह पीस लीजिए। ये एक भावना हुई। ऐसे तीन तीन भावनाएं देना है, निम्ब पत्र की, बिल्व पत्र और करेला, और ये तीन तीन भावनाएं दे करके प्रत्येक बार उसका बारीक चूर्ण करना है। ये बहुत ही श्रेष्ठ है। मैंने ये उज्जैन में जब मैं पदस्थ था, प्रोफेसर था, उस समय मैंने इसको बनवाया कई बार। जो वीवीआईपी पेशेंट होते थे तो हमें कोई समस्या नहीं होती थी दवा मंगवाने में, वो सब मंगवा देते थे, और बड़ा प्रभावी चिकित्सा है। इसका प्रयोग आप आत्यक अवस्था में भी और चिकित्सा के रूप में भी आधा चम्मच से एक चम्मच दिन में दो बार खाली पेट में इसका सेवन कराएं, इससे निश्चित रूप से बहुत ही अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा माँ मज्जक घनभट्टी और गुड़माड़ घनभट्टी, जैसा मैंने पहले बताया, इसका सेवन कराएं। और एक और योग चरक ने बताया है, बहुत सिंपल सा योग है लेकिन हम लोग करते नहीं हैं, और करते भी हैं तो एक या दो बार देते हैं। उसमें आंवले का सरस दो चम्मच और एक चम्मच हल्दी का चूर्ण, हल्दी पाउडर, इसको मिला करके दिन में चार पांच बार लीजिए। इससे भी तत्काल ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ मैंने अनुभूति योग आपको मधुमेह के संदर्भ में बताए, उनका प्रयोग आप जरूर करें, निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। तो आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ आप सबको धैर्यपूर्वक सुनने के लिए, और इतना सम्मान जो आप देते हैं उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार। कल फिर हम इसी वक्त आपसे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय आयुर्वेद।